नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार। और आज जो पर्यावरण दिवस है और हजारीबाग में पर्यावरण को लगातार कई लोगों ने कह सकते हैं कि जो पौधा है उसे सींचा है और लगातार काम करते आ रहे हैं, और केवल हजारीबाग के लिए ही नहीं पूरे राज्य में जिनका नाम है, कई ऐसे लोग हैं जो आज सौभाग्य से हजारीबाग के इस कजन्स ग्राउंड में हैं और हम लोगों के साथ हैं। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ महादेव महतो जी हैं जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को पर्यावरण के लिए संदेश दिया है। छोटी सी जानकारी इन्हीं से। सर, शुरुआत कैसे हुआ था, आज कहाँ पे? शुरुआत हमारे क्षेत्र में बहुत से हाथी आए हुए थे और वो जंगली हाथी जो है सो दो व्यक्ति को कुचल कर मार दिए, और वहीं से जो है सो यह सोच शुरू हुआ कि जंगली हाथी क्यों मारे, तो मनुष्य इसमें दोषी है, वो जंगलों को उजाड़ दिया तभी वो ऐसा कर रहे हैं। उसी समय से जो है यह प्रयास शुरू हुआ और लगातार चल रहा है, और कई गांवों में रक्षाबंधन हुआ। अब सबसे पहले दुधमटिया हजारीबाग में हुआ और उसी के आधार पर झारखंड के कई स्थानों पर हुआ है, और हमारे मुन्ना साहब हैं, और फिर जो है सो महेंद्र पेड़ों में जो आप लाल धागे बंधे देखते हैं, जो रक्षा सूत्र बनता है, इनके द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी हजारीबाग के दुधमटिया से, और उसके बाद कई इलाकों में ये फैला। और लोगों, जिस तरह से एक चिपको आंदोलन था पेड़ों की रक्षा के लिए हजारीबाग के आसपास, वो आपको लाल धागे में दिखेगा, जंगल को कैसे बचाया जाए, वृक्षों को कैसे बचाया जाए। उसके बाद एक और कहानी हुई कि पूरा जो हजारीबाग के जो सड़क के किनारे दीवार थे वो एकाएक अच्छे पेंटिंग्स से सज गए थे। उनको करने वाले तत्कालीन कमांडेंट मुन्ना सिंह जी थे, और आज सौभाग्य से वो यहाँ पे अभी पटना में पदस्थापित हैं। आज यहाँ पे पहुँचने के पीछे क्या कारण, क्या हुआ? देखिए, संजोग कुछ होता है, कुछ बनाया जाता है। मुझे कुछ ऑफिशियल काम से भी आना था, साथ साथ पर्यावरण दिवस का संजोग था। मनोज जी से, सुरेंद्र जी से, महेंद्र बाबू जी से हमेशा बात होती रहती थी, और इस संजोग में हम लोग यहाँ पर मिले हैं, बहुत ही अच्छा है। और मैं उस चीज़ को याद करता हूँ कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर सुरेंद्र प्रसाद सिंह, महादेव महतो जी, डफली बजा बजा करके गांव गांव पैदल जा करके लोगों से भिक्षा में क्या मांगे, तो अपने जगह पे पेड़ लगाओ। और वो जो शुरुआत हुई थी 1995 को जो शुरुआत हुई थी दुधमटिया में, वो अभी झारखंड में एक समय मुझे याद है जब मैं यहाँ 2015-16 में था कि 32 समितियाँ उस समय थी, रक्षाबंधन वन की 32 समितियाँ थी। ऐसी सैकड़ों हजारों समितियाँ जो है अब तक हो गई है, और मुझे याद है कि इनका ये जो अभियान है ये यहीं पर नहीं रहा, झारखंड भर में ही, विश्व भर में गया। नेशनल ज्योग्राफिक वाले इन पर जो है वीडियो बनाए, और जिस सुरीले और जिस शिद्दत के साथ अंदाज में गाते हैं सुरेंद्र जी, उनका गाना सुन करके कितने लोग मोटिवेट हुए होंगे। शिक्षक हैं सर, तो फॉरेस्ट विभाग के हैं, फॉरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इनका सहयोग सब जगह रहा है। लेकिन जो फॉरेस्ट विभाग में नहीं है, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, बीएड कॉलेज के टीचर हैं हमारे मनोज जी, पत्रकार हैं मुरारी जी, और हम लोग फोर्स के आदमी हैं, हम लोगों ने लगकर इस काम को किया। और हजारीबाग में पर्यावरण के साथ हमारा जो छोटा सा योगदान रहा वो यहाँ के सौंदर्यीकरण में था। झील मृत प्राय था, उसको हम लोगों ने जिंदा किया। दीवारें जो गंदी होती थी उसको हम लोगों ने रंगपोत करके यहाँ की लोकल पेंटिंग से, सोराय और कोहबर से किया। अब उसके बाद शहरवासियों पर छोड़ करके सरकार के आदमी हूँ, पदस्थापना पर कहीं और चला गया। आज घूम कर देखेंगे कि उसका कितना और अच्छे से है, चाहे और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, आगे लोग उसको बढ़ाएं। सर, गा के लोगों को कैसे हम लोग 1987 से सर के साथ जब गांव में जाते थे तो उस समय उतनी जागृति नहीं थी, लोगों में भाषण सुनना नहीं चाहते थे। तो मैं गाना बनाना खोरठा में, नागपुरी में, हिंदी में, भोजपुरी में बनाना शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता है उस समय पहले मन वंदना होती है, उसका मुखड़ा मैं दो लाइन सुनाता हूँ। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवनदायी वन करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। जीव जगत के आश्रय दाता, वन जीवों के भाग्य विधाता, कितना मनहर तू कानन, करते हम तेरा वंदन,
करते हम तेरा वंदन, इस तरह से लंबा गीत है। इसके बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं अलग अलग क्षेत्र से हैं और केवल एक ही चीज़ है, वो है कि कैसे जंगल पर्यावरण को बचाया जाए, कैसे उसको पौधों को बचाया जाए, कैसे किया जाए। इसमें से हमारे साथ आप जब झील आएंगे हजारीबाग में तो बहुत हरा भरा दिखेगा, पेड़ों को कैसे बचाया जाए छोटी छोटी चीज़ों को करके, गैबियन लगा के उस पर जाल बांध के जैसे भी हो उसे बचाना है, काफ़ी दिनों से करते हैं, बीएड में के टीचर रहे हैं। कैसे सर जुड़ाव हो गया इसमें इन सब चीज़ों? सर बचपन से मैंने देखा हमारे वृद्ध काका जी सामुदायिक महत्व के जगहों पर पीपल बरगद पाकड़ का पौधा लगाया करते थे। गर्मियों में सींचने में वो समर्थ नहीं थे, गाँव के एक अंधे व्यक्ति जो नौजवान थे उनका एक हाथ से कंधा पकड़ते, दूसरे हाथ में बाल्टी लेकर पौधों को सींचते थे। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उन जगह जीवंत हो उठी। वो बचपन में ये जो दिया हुआ संस्कार सर, मैं जब झारखंड में आया तो मुझे लगा कि इस कार्य को मुझे आगे बढ़ाना। कितने पेड़ अब तक लगा बचा चुके हो? लगाना नहीं, बचा के सर लगभग 2000 पौधे हमारे सर्वाइवल हैं सर, जिनको बचा लिया है सर। अब एक 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 सवाल बस है, एक बहुत उम्मीद है कि इसका सही जवाब शायद आज देंगे। एक आपने प्रण किया है कि आप 1 करोड़ पौधे लगाएंगे, बस इतना बता दीजिए क्या उसके आधे के भी करीब है? क्योंकि नहीं, अब आधे के भी करीब नहीं है। ये जब से हमने शुरुआत किया, मैं बताया देश के विभिन्न जगहों पर हम रहे हैं, मणिपुर में रहे, साउथ में तमिलनाडु में रहे हैं, कश्मीर में रहे हैं, झारखंड में तो रहे ही हैं, लेकिन लगाने और बचाने का मैं जोड़ूंगा तो 1 लाख के आसपास पूर जाएगा, ऐसे मेरे डायरी में नोट किया हुआ है। और मैं सारे पत्रकार बंधु या कोई मित्र पूछते हैं तो मैं बोला हिसाब किताब रख रहा हूँ, जिस दिन 1 करोड़ पूरा होगा उस दिन हम इसको खोलेंगे जो है ये बक्सा। तो अब देख लीजिए, CRPF के अधिकारी हैं लेकिन 1 लाख अब तक पौधे बचा चुके हैं और 1 करोड़ बचाने का संकल्प है, लगाने का संकल्प है। तो कोई भी बात अगर पर्यावरण की हो, प्रकृति से जुड़ी हो, तो कोई भी कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति विशेष बनना होना ज़रूरी नहीं है, आप भी पहल कीजिए और इस विश्व को जिसमें हम हैं, जिसने सब कुछ हमें दिया है, उसके बचाने के लिए 1 कदम जरूर आगे बढ़ाएं। विश्व अलंकार lagatar.in के लिए। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे lagatar.in के साथ।